अच्छी बात कर ले क्या बोल। आप लोग तो मान लीजिए कि आप थोड़ा यंगर हैं, हम लोगों का अपना हम बताते हैं कि जब घूमते थे तो महिलाएं दूर से ही ना हम लोगों को या कुछ भी, और अब जितना ज़्यादा हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया अब वो भी सक्रिय है तो खुशी की बात है। सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान एक से बढ़कर एक सवालों का सामना कर रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर समस्तीपुर से देखने को मिली जहां सीएम नीतीश कुमार से महिलाओं को लेकर ऐसा सवाल पूछा गया कि सीएम ने भी उसका दिलचस्प तरीके से जवाब दे दिया। एक अच्छी बात कर ले क्या बोल। आप लोग तो मान लीजिए कि आप थोड़ा यंगर हैं, हम लोगों का अपना हम बताते हैं कि जब घूमते थे तो महिलाएं दूर से ही ना हम लोगों को या कुछ भी, और अब जितना ज़्यादा हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया अब वो भी सक्रिय है तो खुशी की बात है। दरअसल सीएम नीतीश से सवाल पूछा गया कि क्या लगता है आपके कार्यक्रम में पुरुषों की भागीदारी होनी चाहिए क्योंकि आपके कार्यक्रम में पुरुषों की भागीदारी दिखती कम है। इस पर सीएम ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है, पुरुष भी तो रहते ही हैं, लड़के लड़कियां सब रहती हैं। हालांकि इस दौरान सीएम ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा, ये कितनी अच्छी बात है कि जब हम पहले घूमा करते थे तो महिलाएं दूर से देखती थी, अब हमने महिलाओं के लिए खूब काम किया है जिसका नतीजा ये है कि महिलाएं हर जगह सक्रिय हैं। क्या लगता है पुरुषों की और भागीदारी होनी चाहिए, पुरुषों की भागीदारी थोड़ी कम दिखती है, क्या आपको लगता है कि जरूरत है इसकी? किस चीज के लिए पुरुषों की भागीदारी कम है? ऐसा कार्यक्रमों में ज्यादातर महिलाएं दिखती हैं। नहीं नहीं नहीं, पुरुष भी रहते हैं, लड़के लड़कियां सब रहते हैं। आप तो देख लीजिए कि अब ये कितनी अच्छी बात कर ले क्या बोल। आप लोग तो मान लीजिए कि आप थोड़ा यंगर हैं, हम लोगों का अपना हम बताते हैं कि जब घूमते थे तो महिलाएं दूर से ही ना हम लोगों को या कुछ भी, और अब जितना ज्यादा हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया अब वो भी सक्रिय है तो खुशी की बात है। सीएम के समाधान यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव में, लेकिन जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी इस यात्रा में दिखी है ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि सीएम के कार्यक्रम में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की ही भागीदारी होती है। समस्तीपुर से जहांगीर आलम की रिपोर्ट, बिहार तक।